सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि आप लोग आगे भी फ्यूचर में भी वीडियो देखते रहेंगे इसी तरीके से प्यार से, और जो है वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी टेंशन रहती है कि यार मेरी जो जीमेल आईडी है उसको कोई हैक ना कर ले। ओके, तो आज ये टेंशन आपकी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ आपके जीमेल अकाउंट की, जिसको यदि आप ऑन कर लेते हो तो उसके बाद यदि आप खुद ही अपना पासवर्ड किसी और को बता देंगे ना कि जाओ भैया ये मेरा आईडी खोल लो, ये मेरा पासवर्ड है, तो भी वो बंदा आपके ईमेल आईडी को ओपन नहीं कर पाएगा। ओके, ना ही आपके गूगल अकाउंट को ओपन कर पाएगा। ओके दोस्तों, तो वो कौन सी सेटिंग है उसके लिए तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा ध्यान से देखना, पूरा ध्यान से समझना, क्योंकि यदि आप ये सेटिंग अपने जीमेल अकाउंट पे करके रखते हो तो आपका जीमेल अकाउंट एक तरीके से हैक प्रूफ हो जाता है, जिस तरह से वाटर प्रूफ होता है ना, है ना, इसी तरीके से हैक प्रूफ आपका जो जीमेल अकाउंट है वो हो जाएगा, उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। आप किसी को भी अपना पासवर्ड अपने आप ही बता देंगे तो भी वो बंदा किसी और डिवाइस में, किसी और लैपटॉप में ओपन नहीं कर पाएगा आपके जीमेल अकाउंट को। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, और दोस्तों हर बार की तरह वीडियो को लाइक करके जाना है। और दोस्तों, जो चैनल पर नए आ रहे हैं ओके, वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा के ऑल आता है वहाँ पर लिखा हुआ, ऑल को सिलेक्ट कर ले। ऑल को सिलेक्ट करने से क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, और आप जो है नई नई जानकारी आपको हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, और जानते हैं कि ऐसे वो कौन सी सेटिंग है जिसको यदि हम अपने गूगल अकाउंट में ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो अकाउंट है उसको कोई और ओपन नहीं कर पाएगा बिना हमारी अनुमति के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी सेटिंग करनी है अपने अकाउंट में, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप जो है अपने ब्राउजर में चले जाएंगे मोबाइल के। ओके, चाहे आप जो है कोई भी ब्राउजर यूज करते हो, वैसे क्रोम ब्राउजर ही यूज किया कीजिए, क्योंकि क्रोम ब्राउजर बहुत ज़्यादा सेफ होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है गूगल में, गूगल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आप गूगल अकाउंट टाइप करेंगे। आप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल कहीं पर भी ये काम कर सकते हो, सेम ही इंटरफेस आएगा आपके सामने। ओके दोस्तों, गूगल अकाउंट सर्च करने के बाद थोड़ा यहाँ पर नीचे की साइड जाएंगे, कुछ ऐड दिखाता है गूगल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा googleaccount.com। ओके, तो यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालकर दोस्तों यहाँ पर अब आप अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है यहाँ पर डालकर। तो जैसे आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे, आपके सामने आपका जो गूगल अकाउंट होता है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जैसे अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यदि आप देखेंगे एक सिक्योरिटी नाम का फीचर दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा बराबर की साइड करेंगे इसको ऊपर से, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी नाम का एक फीचर दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सिक्योरिटी में आप जो है चले जाएंगे, और सिक्योरिटी में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ढूंढना है एक सेटिंग, जिस सेटिंग का नाम होता है टू स्टेप वेरीफिकेशन, यहाँ पर मिलेगी। तो टू स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन करना है दोस्तों। ओके, अब इसको ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, अगला पेज खुलेगा, यहाँ पर नीचे की साइड जाएंगे, गेट स्टार्टेड पर ओके करेंगे। गेट स्टार्टेड पर ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, और नेक्स्ट पेज खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना है। अब यहाँ से आपका पासवर्ड दोबारा पूछा जाएगा, जो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड होगा, यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे, और पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर ट्राई इट नाउ पर ओके करना है। ओके, ट्राई इट नाउ पर ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यस करना है दोस्तों। आपके मोबाइल में यहाँ पर ऐसा आएगा नो और यस, तो आपको यस कर देना है। ओके, यस करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, जो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल हो, क्योंकि दोस्तों यदि किसी को आपका पासवर्ड भी पता चल जाता है, अब यदि वो आपका पासवर्ड डालकर आपकी ईमेल आईडी को ओपन करने की कोशिश करेगा तो ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो ओटीपी से ही ओपन होगी। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट मैसेज का, टेक्स्ट मैसेज पर ओके करके ओके कर देंगे। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा, तो आपने वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर ओके कर देना है। नेक्स्ट बटन पर ओके करने के बाद अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू स्टेप वेरीफिकेशन को टर्न ऑन करने के लिए। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पर टर्न ऑन पर ओके करना है, इसके बाद आपका टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन हो जाएगा।
अब दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने का मतलब क्या है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। यदि अब आप कहीं पर भी अपना मेल अकाउंट खोलते हो यानी कि गूगल अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पर अब आपसे टू स्टेप में वेरिफिकेशन लिया जाएगा। पहला वेरिफिकेशन होगा आपका पासवर्ड, जो आपके पासवर्ड आपने बना रखा है, और दूसरा वेरिफिकेशन होगा जो आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। यानी कि केवल पासवर्ड से ही अब काम नहीं चलेगा, पासवर्ड तो चाहे किसी को पता हो या ना हो, अब काम चलेगा जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उससे। ओके दोस्तों, तो इससे क्या होगा, अब आपका पासवर्ड मालूम होने के बाद भी कोई दूसरा बंदा जो है आपके अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो OTP होगा वो तो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा और आप उसको बताएंगे नहीं और ना ही उसको पता चलेगा। तो दोस्तों यही थी वो सेटिंग। यदि आप इसको ऑन कर देते हो तो अब आपका जो जीमेल अकाउंट है बिल्कुल सिक्योर रहेगा, वो जो है हैक नहीं हो सकता, और ना ही अब जो है किसी को पासवर्ड पता होने के बाद भी आपके अकाउंट को कोई खोल सकता। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जाना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।